चरणों में जगह दीजिए भगवान। असली बात बेच खाइए। तो भाई लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूँ। और आज फाइनली फिर से आश्रम 3 का एक नया ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें एक न्यू एक्ट्रेस हम लोग को देखने को मिला, जिसका नाम ईशा गुप्ता। मतलब ये जो आने वाला है ना 3 जून को, मतलब ये बवाल मचाने वाला है, सच बता रहा हूँ। आश्रम 3 यार, कसम से बता रहा हूँ, ये जो सीरीज है ना, मतलब मेरे को तो लग रहा है ये मूवी से ज्यादा अन करके निकल जाएगी। मतलब ये ईशा गुप्ता का जो कैरेक्टर उन्होंने डाला है, अगर आप इस ट्रेलर पे आप रिव्यू मतलब नोटिस करें, तो जो पहले लड़की थी उसके साथ बाबा ने बहुत सारा गलत काम किया, लेकिन इस जो सीरीज है, ये जो सीजन है, इसमें ईशा गुप्ता को ऐड करने का मतलब कुछ बड़ा झोल होने वाला है। और यहाँ पर साथ ही साथ बाबा को एक प्रेशर रहेगा पॉलिटिक्स का, उसके बाद से बाबा पे एक उस लड़की का प्रेशर रहेगा जो इसमें सीजन 1 सीजन 2 में गलत किया था, उसके वजह से आम जनता का भी प्रेशर है। मतलब बाबा के सर पे इस बार बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो मतलब इस सीरीज में, मतलब इस सीजन में हम लोग को देखने को ये मिलेगी बाबा कैसे हैंडल करता है तीनों चारों, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इस सीजन में। तो पता नहीं, हो सकता है कि ये सीजन के बाद सीजन 4 भी आ सके, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि मतलब सीजन 3 में पूरा ही मूवी को कंप्लीट कर दिया जा सके। तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होने वाला है सीजन 3 1 2 से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जिस तरह से ट्रेलर में हम लोग को दिखाया जा रहा है सस्पेंस पे सस्पेंस, मतलब हर 1 सेकेंड में, हर 2 सेकेंड में मतलब चेंज कर दिया जा रहा है सिचुएशन को, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इस सीजन में। तो सच में यार मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो कमेंट में बताओ कि आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो आश्रम 3 के लिए। तो दोस्तों, बॉबी देओल का फैन तो मैं नहीं हूँ, बस इस स्टोरी का फैन हूँ, आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो का रिव्यू नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों अगर आपको ऑफिशियल ट्रेलर देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया, तो आप जाकर ऑफिशियल ट्रेलर देख सकते हैं। 1 मिनट का ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसमें ईशा गुप्ता को इंट्रोड्यूस किया गया है।